देश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या से शासन की चिंता बढ़ती जा रही है। जहां एक ओर देश में यह आंकड़ा 27 लाख तक पहुंच चुका है, वहीं बेटमा नगर में भी सोमवार तक इससे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56 पहुंच गया है। इसी के तहत सहयोगी सुरक्षा अभियान की शुरुआत शासन द्वारा की गई। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के चलते मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार शासकीय अस्पताल बेटमा द्वारा देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नगर में सहयोग से सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। नागरिकों को शपथ दिलाई गई, जिसका आयोजन वार्ड क्रमांक 6 में आशा कार्यकर्ता रामकन्या सूर्यवंशी द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस को रोकने के लिए मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई है। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर शपथ लेता हूँ कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मैं स्वयं एवं अपने क्षेत्र में लोगों को मुंह पर मास्क, दुपट्टा, रुमाल या कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकलने आपस में 2 गज की दूरी घर से रखने और बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए प्रेरित करूंगा। कोरोना को लेकर किसी से कोई बुरा व्यवहार या मतभेद कोरोना के इस युद्ध में जो हमारी ढाल है, जैसे डॉक्टर, नर्स, क्रमांक 6 के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मातृशक्ति और साथ ही यहाँ के युवाओं के साथ वार्ड क्रमांक 6 को कोरोना मुक्त करने में और कोरोना में सहयोग करने के लिए यहाँ के सभी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता युवाओं ने एक शपथ ली। और शपथ में ये हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करेंगे, घर घर जाकर आप लोगों को समझाएंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और जो भी कोरोना अभियान में आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, नगर परिषद के कर्मचारी एवं सभी कर्मचारियों का सहयोग करेंगे और कोरोना के कोई पेशेंट भी आपके वार्ड में या कहाँ पर निकलते हैं तो उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, उनसे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। और साथ ही इस बेटमा नगर को कोरोना मुक्त करने की आज शपथ ली गई, उसके लिए सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।